अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत फजल और करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं आया हूँ DHA फेस 5 खड्डा मार्केट कमर्शियल लेन 1 में, और यहाँ पर 8 शॉप्स हैं। और आज मैं आपको यहाँ का 8 शॉप का विजिट कराऊंगा और यहाँ पर दिखाऊंगा इनके पास कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, उनके क्या प्राइजेस हैं, तो सारी चीज़ें देखते हैं। आइए चलते हैं अंदर शॉप पर और एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर मेरा नाम शहजाद है। पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए व्यूअर्स को। मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और मैंने लाहौर से किया है। तो मोबिक भाई, थोड़ा सा जरा मुझे खूबसूरत पेंटिंग्स के बारे में जरा बताइएगा, क्या क्या प्राइजेस हैं? और ये बुशकशी कल्चर की पेंटिंग है और 35,000 प्राइस है और इटालियन फ्रेम लगा हुआ है इसको। और ये आपके हाथ की बनी हुई है? ये मेरे हाथ की बनी हुई है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छी पेंटिंग है। अच्छा, ये अल्लाह का इकराम है जी। ये फरीद नाम के आर्टिस्ट है, उनके हाथ की बनी हुई है और ये 12,000 की है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। सरिता नाम की लड़की की आर्टिस्ट है, उनके हाथ की बनी हुई है। और क्या प्राइस की है इसकी सर? इसकी 15,000। आगे चलते हैं जरा, ये देखिए बहुत अच्छा एक पोर्ट्रेट है, कलरफुल सी स्केच ड्राइंग है। तो इसकी क्या प्राइस है इसकी? 25,000। ये आप कौन सा बता रहे थे? थर वुमेन है, थर का कल्चर शो किया गया है, थर वुमेन। ठीक हो गया, बहुत अच्छे खूबसूरत फ्रेम पे है ये और बहुत बेहतरीन। इसकी क्या प्राइस, क्या बताइए? 12,000 है। देखिए नीचे स्केच दिखाया जी, बड़ा यूनिक सर। सर इसकी क्या प्राइस बताइए? ये 15,000 है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे बड़े फ्रेम पे है, जिसे आप अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में जो आप लगा सकते हैं। और ये कहाँ का कल्चर है सर, जरा थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये अफगानिस्तान का कल्चर है, खुशी है ये, जबरदस्त। और ये इसका क्या साइज क्या होगा इसका पेंटिंग का? पेंटिंग का जो साइज है 3 फीट बाई 4 फीट है और फ्रेम के साथ 3.5 फीट बाई 4.5 फीट। ये आपके हाथ की डिजाइन हुई है? ये मेरे हाथ की बनी हुई है। जबरदस्त जी, ये देखें पेंटर हमारे साथ हैं, मुबीन साहब। ये खूबसूरत पेंटिंग जो है इन्होंने अपने हाथ से बनाई है और बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं। ये भी बड़े साइज का पोर्ट्रेट है और इसका क्या साइज होगा सर? 3 फीट बाई 5 फीट। इसके अलावा यहाँ पीछे आ जाए, ये जरा अच्छे फ्रेम है, थोड़े कबूतरों की जोड़ी है, बहुत अच्छी सी। और ये इसकी क्या प्राइस है सर? इसकी 40 है। ये इरफान के इरफान आर्टिस्ट है ये, और दो पेंटिंग्स मजीदी दबा रहे हैं। ये भी यही सेम पेंटर है जी। इनके क्या प्राइस है? ये 60 का प्यार है, ये दोनों का प्यार है। ठीक है, नीचे देखें स्केच, इसकी क्या प्राइस होता है सर? इसकी 12,000। 12,000 है। एक ये है कलरफुल सी जरा, एक ये क्या बेसिकली क्या कहते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, सही सही। और इसकी क्या प्राइस है इसकी? इसकी 20,000। 20,000 है। और ही सीधा की पेंटिंग है, ये ऊपर है, ये बहुत अच्छा एक कलर का कॉम्बिनेशन है। ये मुबीन साहब हमारे साथ जो है, यही इसके आर्टिस्ट हैं और बहुत खूबसूरत इन्होंने ये बनाई है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना प्यारा ये लुक दिया इन्होंने। सर इसका साइज थोड़ा सा बताइए, क्या साइज है सर? इसका 4 फीट बाई 5 फीट। 4 फीट बाई 5 फीट हो गया, ठीक हो गया। और इसकी क्या प्राइस है इसके? इसकी 120। जबरदस्त हो गया। इसी के साथ ये और हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, ये हैं, ये हैं,
ये नीचे लगे कलाम रखेंगे, ये थोड़ा ये भी दिखा दूँ जरा, कलमा आ गया। अच्छा ये ऊपर जो है ये कहाँ था, ये भी पाकिस्तान की भी थी, लाहौर की मस्जिद वजीर खान। जबरदस्त। इसका क्या प्राइस क्या सर? इसके 85,000। 85,000। अच्छा बड़े साइज में ये भी ठीक हो गया जी। ये देखें अल्लाह मोहम्मद का नाम सूरज सर लिखा हुआ, ये इसकी जोड़ी है पूरी है, और ये बड़े कलरफुल में है। और ये कैश किया है, ये कैश है इसका 30,000 है फ्रेम के साथ। फ्रेम के साथ 30,000। अभी ये फ्रेम इससे तैयार हो गया जी, ठीक हो गया। इसी के ऊपर एक बहुत खूबसूरत ये है, ये देखिए इसकी क्या प्राइस है सर? उसके 20,000 है। 20,000 हो गया। देखिए दिखा रही है बराबर की, बहुत अच्छी पेंटिंग है। इसके साथ ये नीचे बादशाह बनाएंगे, और ये इसकी क्या प्राइस है नीचे वाली की? ये 35। 35। इधर आ जा, ये वाली जो है इसका क्या रही है सर? ये 10,000। 10,000 इंशाल्लाह। ये देखें ये बहुत खूबसूरत एक पेंटिंग है, हैंड वर्क की, पाकिस्तानी कल्चर, और बहुत रियल एकदम लुक आ रहा है इसका। इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। हुई है ये 50,000 की है, और इसका जो साइज है 3 फीट बाई 2.5 फीट है। 3 फीट बाई 2.5 फीट है, और बहुत अच्छी है, और बिल्कुल रियल लुक आ रहा है इसका, बड़ी जबरदस्त पिक्चर है ये। इसके साथ एक और है, अच्छा ये इसका जरा बताइए थोड़ा सा। इसे 3 फीट बाई 2.5 फीट की है। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 35,000। 35,000 इसके प्राइस है जी। ठीक है सर, आप अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज बता दिया, ताकि हमारे व्यूवर्स हैं फिर आपसे रब्ता कर सकें। ये शॉप है, बाकी सर अपना नाम और नंबर बता रहे हैं। गैलरी का जो नाम है आर्ट एंड डिजाइन है, और मेरा नाम मुबीन अहमद है। और शॉप का कॉन्टेक्ट नंबर 03024610786। ठीक है जी, ये इनका कार्ड है, ये कार्ड आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा भी देंगे हम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट गैलरी की तरफ, और इसका नाम है आर्ट स्पेस फ्रेम्स एंड गैलरी। कैसे हैं आप? हम लोग यूट्यूब चैनल से आए हैं, मेरा नाम फाज चौधरी है, और आपका तो मैं बता दूँ मेरा नाम आदिल है। और माशाल्लाह आपके पास काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स पड़ी हुई है, तो इस तरह की एक ये है, कहाँ का कल्चर है? और ये सर लाहौर का कल्चर है, लाहौर का ओल्ड बाजार है ये। ओल्ड बाजार जी, वैसे जो ये आर्टिस्ट नहीं है लाहौर के ही है। अच्छा, ये लाहौर से बन के आती है हमारे पास। अच्छा, और ये कराची के नहीं है, लाहौर के काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं सफर इकबाल। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। इनकी एक्चुअल गैलरी प्राइस तकरीबन 40,000 ईच है। 40,000। ये इस पेंटिंग की भी प्राइस इतनी ही है या? पेंटिंग आती है हमारे तकरीबन कोई 5 to 10,000 हमें बचते हैं फ्रेम फ्रेम होने के बाद। जी, इसी तरह ये निसार है, ये कराची के हैं, ये ज्यादा लेडी पे काम करते हैं, लेडी फिगर बनाते हैं। ठीक हो गया, ये लेडी फिगर करते हैं। फिर उसके बाद जो ये शफीक राना है, ये इस्तांबुल को ज्यादा फॉलो करते हैं, इस्तांबुल यानी तुर्की के ज्यादा करते हैं ये। अच्छा अच्छा, ये भी सीनियर आर्टिस्ट हैं कराची के। और इनकी इस पेंट की प्राइस क्या होगी? इस पेंटिंग की जो पेंटिंग वैल्यू गैलरी प्राइस है तकरीबन ये है 75,000 के। उसके बाद जो उसके ऊपर जो सीनियर आर्टिस्ट है वो ये अबरार अहमद है। ये भी कराची के काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं, कराची के भी और पाकिस्तान के भी काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं। इनकी दुबई में भी काफी एग्जीबिशन हुई है। ये हो गए मशकूर रजा हो गए, ये सीनियर आर्टिस्ट हैं, ये हॉर्सेस ज्यादा करते हैं। और आप इसका थोड़ा सा बताया, मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये कराची की एक आली अकबर है,
ये कराची एनसीए से पढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा, कराची एनसीए स्कूल पार्ट है, वहां से ये पढ़ के निकलते हैं, तो ये वहां की है। ये जो बेसिकली उन्होंने बनाया ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहलाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो आगे चले हैं राशिद अली है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहलाता है। उसके बाद ये ऑक्सिड है, फिर ये फिगरेटिव वर्क कहलाता है, पेनिनिंग कहलाता है बेसिकली, ये पेनिनिंग एंड पेपर वर्क जो कहलाता है, जिसका मीडिया कहलाता है। जैसे इसका मीडिया ऑयल एंड कैनवास है, उसका मीडिया पेन एंड पेपर है, ये चीज है। इसी तरह ये दरवेश है, रूमीज कहलाते हैं, ये भी ज्यादा लोग यहाँ लाइक करते हैं रूमीज को। बेसिकली ये तो है तुर्की का कल्चर है वैसे ही, अच्छा, इस्तांबुल का, तो यहाँ ज्यादा लोग लाइक करते हैं इस चीज को। तो सेकंड ऑप्शन में हमारा है ये है मोमिन साहब, ये इनके दो काम करते हैं, तो ये फैसल बनाते हैं, दूसरा काम ये करते हैं, ये कहलाती है बुद्धखुशी, जो गेम बनाते हैं ये बुद्धखुशी गेम कहलाती है ये। अच्छा, यानी ये अफगानिस्तान में ज्यादा खेली जाती है, अफगानियों की गेम है ये बुद्धखुशी। अच्छा, उसको ज्यादा ये फॉलो करते हैं, ये जितने भी गेम खेल रहे हैं ना ये वो लेके अपने साथ बांटते हैं, ये कोई गोश्त का टुकड़ा होता है ये एक दूसरे से छीनते हैं। अच्छा, ये बुद्धखुशी कहलाती है सारी। और इस पेंटिंग का क्या साइज है? ये तकरीबन 30x48 का साइज है, ये यहीं के आर्टिस्ट हैं कराची के मुंह में, तकरीबन इसकी वैल्यू है 50,000। ये पेंटिंग काफी अच्छी रहती है, इस तरह इनकी गेम है। ये आ जाते हैं राशिद अली, ये भी यहीं कराची के आर्टिस्ट हैं, ये मशहूर साहब उनके फर्स्ट स्टूडेंट है, ये फिर उनके डॉटर है ये वाली सबीन राशिद। ये ज्यादा थर की लेडी बनाती है, जो थर है ना हमारा कल्चर है थर, वहाँ की ये ज्यादा करती है फॉलो चीजें, तो ये वहाँ की बनाती है, उनकी डॉक्टर है ये। फिर इसी तरह के ये जाहिद हैं, ये लाहौर के आर्टिस्ट हैं, ये भी काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जाहिद सलीम नाम है इनका पूरा। अब जैसे ये देखेंगे माशाल्लाह इसमें अल्लाह के कुछ कलाम है, ये जो है ना ये बेसिकली पूरा प्लान है, ये शफी घराना का हमने जिक्र करा था आपको, शफी घराना जो तुर्की के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, उनके डॉक्टर है पुरातुला, बेसिकली ये कैलीग्राफी कहलाती है। फिर उसके बाद जो है ये भी ये काम करती हैं, फिर एक तो इनके वर्क और है ज्यादा जो बेसिकली मशहूर है वो इस कैलीग्राफी के काम से मशहूर है पुरातुला के नाम से। फिर ये भी अगर हॉर्सिस में आ जाए ना, ये एब्स्ट्रैक्ट हॉर्सिस कहलाता है, यानी ये पता भी लगेगा हॉर्सेज है, ना देखने वहां के लिए कुछ भी नहीं है, अगर बंदे इस पे फोकस करे तो ये हॉर्सेज है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में 100 हॉर्सेज बने हैं। तकरीबन इसका साइज बनता है 24x48। फिर अगर हम वहां पे आ जाते हैं पिजन्स के ऊपर, तो इसका मैंने आपसे जिक्र करा था, ये 5 जो हॉर्सेज करते हैं ये इनका सेकेंड वर्क है, पिजन्स करते हैं, ये भी काफी फेमस आर्टिस्ट है। 5 तकरीबन ये 70-75,000 इसकी गैरली प्राइस चलती है 5 साल की। एक ये है हमारे आतिफ अली, ये भी कराची के हैं, ये 7 कैन में अभी तक है, 7 कैन एक इंस्टीट्यूट है वहां पे होते हैं ये आतिफ साहब, उनकी कैलीग्राफी है ये, तकरीबन 1 लाख की कैलीग्राफी है ये, माशाल्लाह काफी खूबसूरत बनाई है, कलर अच्छे हैं, इसकी बैकग्राउंड अच्छा है, और ये सबसे अलग डिजाइन है कैलीग्राफी में, जो यहाँ जितनी भी है सबसे हटके है ये चीज। ये शफीक राना है जो तुर्की का मैंने आपको बताया था, इनका ये छोटा साइज है, मैंने बड़ा साइज दिखाया था आपको, ये छोटा साइज है। फिर इनका आ जाते हैं, ये जो वर्क कहलाता है ये कहलाता है बेसिकली चारकोल, चारकोल का मीनिंग जो हम जिसको कोयले का काम कहते हैं, जो कोयले से बनाते हैं वो उसकी अपोजिट होती है चारकोल, उस पर उन्होंने चारकोल पे बनाई हुई है चीज लेडी। ये है आबिद चन्ना, ये हैदराबाद के आर्टिस्ट है। अच्छा जी, ये चारूनी का काम है, फिगर अलग अलग फैब्रिक अलग अलग है, चारों चारकोल पे जिसका मीडिया है कैनवास एंड चारकोल। तो ये चारकोल की प्राइस का डिफरेंस है कि चारकोल जो है वो तकरीबन समझे उसके जो ना सिलेक्टेड प्लांट होते हैं चारकोल के, तो सिलेक्टेड प्लांट का मतलब है 100 में से 25-20% प्लांट होता है चारकोल का, ये चारकोल अलग है। फिर ये काम ये एक्रेलिकॉन कैनवास कहलाता है, ये चारकोल एंड कैनवास है। फिर अगर इसका आ जाते हैं ये ऑयल एंड कैनवास है ये, अच्छा इसमें एक्रेलिक मिक्स नहीं है। उसका आ जाते हैं हम, ये राशिद अली है, राशिद अदीज सॉरी, हाँ ये ज्यादा अपने गांव को फॉलो करते हैं, कश्मीर एफ्राबाद
जैसे एबटाबाद का मौसम होता है कश्मीर का सेम एलिटी, उन्होंने बताया ये रेनबोज निकलते हैं, इसी तरह ये बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे पहाड़ी इलाका है और ये भी सारा बर्फीला, ये वहाँ का ज्यादा फॉलो करता हूँ, ये वहाँ बनाते हैं, ये बीच अपने लिखते हैं हमारा गाँव। अच्छा, जो ये आर्टिस्ट है, हाँ और ये किस काम, ये सेम आर्टिस्ट है, सेम ही आर्टिस्ट है, रहते ये कराची में लेकिन बनाते अपने गांव को है के मुताबिक करते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज कल्चर है और किस चीज की है और क्या बिल्डिंग है, इस हिसाब से करते हैं। फिर ये मशहूर रहता है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, नाम भर के हैं ये। अच्छा, ये हॉर्सेज बनाए हैं इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में, पहला काम इनका ये एब्स्ट्रैक्ट हॉर्सेज है, ये सारे जितने भी है ना ये हॉर्सेज बनाए हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में। और इनका जो सेकंड ऑप्शन है हमारा काम, ये पंचतन पार्क बनाया है इन्होंने पूरा, मोहम्मद अल्लाह अली फातिमा सनसैन, ये भी नीचा मशहूर रहा था। माशाल्लाह, ये भी बड़ी इन्होंने प्यारी बनाई हुई है, ये अब बनाना बना तो नहीं है लेकिन अब जो है ना ये जो बनाते हैं तो वो उस हिसाब से नहीं बनाते जैसे ये पहले बनाते थे। अच्छा, क्योंकि अब ये हुआ है जी तकरीबन इनकी जो है जो तकरीबन 70-75 प्लस है। अच्छा, और ये डायलिसिस में है इस वक्त ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं जावेद कमर, तो ये जावेद कमर है, ये ज्यादा वही तुर्की स्टाइल है इनका, ये बेसिकली कहलाता है दरवेश, जो हमारी जबान में क्या जाता है उसको दरवेश कहते हैं, ये रूमीज होते हैं, ये रूमीज की तरह होते हैं। यहाँ आ जाते हैं तो ये भी लाहौर सिटी है, ये उन्होंने पूरा लाहौर का एक खिड़की से विंडो से उन्होंने जो है ना कैप्चर किया है, कि ये विंडो से आप कोई देख रहा है ये चीज ऊपर से। फिर ये आ जाते हैं तो ये बेसिकली इन्होंने फिगर बनाया है, जैसे अफ्रीका में लोग लंबे से होते हैं। अच्छा, तो वहां का इन्होंने दिया हुआ है, ये यहीं के कराची के आर्टिस्ट है हारून। और ये जरा बताइए ये क्या है? ये भी आली अकबर का, जिनका मैंने आपसे पहले जिक्र करा था, ये आली अकबर है, ये भी एनसीए कराची स्कूल ऑफ आर्ट की है। ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है इन्होंने, जितने भी ये जो है ना स्ट्रोक, ये बस पावरफुल होते हैं, ये जिसको समझ आता है वो ज्यादा इसको फोकस करता है, वो ज्यादा फोकस करता है, वो समझता है। ये भी वही है, ये अली है, ये भी ज्यादा थर की औरतें बनाते हैं, जो थर की लड़कियां होती हैं वो भी ये करते हैं। ये दर्पण है, ये भी कराची के हैं दर्पण, बेसिकली ये हिंदू आर्टिस्ट है लेकिन काम अच्छा करते हैं, ये ज्यादा थर पे काम करते हैं। ये जुए प्रिंट है, एक ये रिंग साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अच्छा, उनके बेटे हैं ये जुए प्रिंट, ये अब इनकी तकरीबन प्राइस हो गई है 45,000 ईच। अच्छा, एक पेंटिंग 45 की है ये। फिर अगर हम आ जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट वर्क में, ये दाऊद है, ये भी कराची के अच्छे आर्टिस्ट हैं, यानी ये नॉर्मल है, यानी इतना कोई फेमस नहीं है, लेकिन अब हो रहे हैं फेमस, ये ऐसा ऐसा जब फिल्म की एग्जीबिशन हुई है ना, अब इनकी लास्ट एग्जीबिशन हुई है तो उसमें इनका नाम आया जी। फिर अगर इस पर आ जाते हैं तो ये जो मीडिया कहलाता है, ये कहलाता है वाटर कलर, वाटर कलर जी, ये सब पानी के कलर से बनेंगे वाटर कलर। ये शिप का इन्होंने सीन दिया हुआ, ये अपना फिशरी है, ठीक है, तो वहाँ इन्होंने ये सीन बनाया है, पूरा बैठ के लाइव बनाते हैं वाटर कलर वाले बैठ के ना, ये सामने ही बैठ के बनाते हैं, तो ये पूरी शीट खिलाती है वाटर कलर की। तकरीबन इसके प्राइस होते हैं यहाँ पे 25-30,000 ईच पे होती है ये, क्योंकि वाटर कलर की वैल्यू थोड़ी कम होती है, उसकी लाइफ नहीं होती। अगर कैनवस की 50 ईयर लाइफ है तो इसकी तकरीबन होगी कोई 20 ईयर, इतनी लाइफ नहीं होती पेपर, हाफ लाइफ होती है, हाफ से हाफ होती है। अगर ये कैलीग्राफी पे आ गए, ये भी वाटर कलर पे बनेंगे कैलीग्राफी, ये जावेद कमर है जिन्होंने रूमीज बनाए हुए ना तुर्की वाले, उन्हीं की है लेकिन ये वाटर कलर पे है। ये कुरतुलैन है, जो आपने फर्स्ट कैलीग्राफी देखी थी ना, ये उनकी बेटी है शफीक राना की, ये ज्यादा कैलीग्राफीज करती है, ये चारों उन्हीं की लगी हुई है कैलीग्राफीज। फिर ये अब्दुल हमीद है, ये भी ज्यादा तुर्की पे ज्यादा फॉलो करते हैं, ये सिर्फ इनका कैप्चर है दरवेश करना। अच्छा, इनका एक ये वर्क है, सेकंड जो ऑप्शन है इनका वर्क का वो है ओल्ड सिटी करते हैं ज्यादा, ये जो वो ओल्ड सिटी है ना कराची ओल्ड सिटी ज्यादा ये करते हैं अब्दुल हमीद। और जिस तरह की भी पेंटिंग ये न्यू वर्क कहलाता है, ये मॉडर्न आर्ट कहलाता है यहाँ पे ना, ये आजकल ज्यादा इन है मार्केट में मॉडर्न आर्ट, बिल्कुल, तो ज्यादा लोग जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादा इसको फॉलो कर रही है मॉडर्न आर्ट को ना, लोग करते सबको है लेकिन जो आजकल की है वो ज्यादा इसको मॉडर्न आर्ट को फॉलो कर रहे हैं लोग। और ये किनकी बनाई हुई है? ये आली अकबर है जी, ये भी मेरा ख्याल, ये भी आली अकबर है,
फिर अगर इस पे आ जाते हैं, ये कहलाता है पेनिंग एंड पेपर काम, ये पेपर पे हुआ हुआ है, हारून है ये कराची के हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने फेसेस बनाए हुए हैं। ये अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको ये लेफ्ट राइट वाले फेस पता लगेंगे, ये राइट पे ये लेफ्ट पे आमने सामने देख रहे हैं दोनों, ये सब एब्स्ट्रैक्ट फेसेस कहलाते हैं। ये एक तो वो इरफान का मैंने पिजन सिखाया था आपको, सेकंड ऑप्शन ये ऑफिस करते हैं इरफान, ये ऑफिस करते हैं, उनसे जो सीनियर आर्टिस्ट है वो ये मशहूर रहा, इनसे बड़े और इनसे सीनियर आर्टिस्ट है मशहूर रहा। अच्छा, इस वक्त जो चल रहे हैं मार्केट में जो इन्हें दादा वो मशहूर रहा है, तो इनकी वैल्यू जो इरफान से ज्यादा इनकी वैल्यू है, मशहूर साहब की वैल्यू है, क्योंकि ये पाकिस्तान के काफी बड़े आर्टिस्ट हैं और इनका काफी नाम है पाकिस्तान के अंदर। यानी इनकी पेंटिंग आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगी, दुबई में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, जहां जाएंगे वहां इनकी पेंटिंग मिलेगी। ये वाली सबिन राशिद, ये ज्यादा थर की लेडी बनाती है, जो थर है ना हमारा कल्चर है थर, वहां की ये ज्यादा करती है फॉलो चीजें, तो ये वहां की बनाती है, इनकी डॉक्टर है ये। फिर इसी तरह के ये जाहिद हैं, ये लाहौर के आर्टिस्ट हैं, ये भी काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जाहिद सलीम नाम है इनका पूरा। ये इरफान है ऑफिस में, ये भी ज्यादा सीनियर आर्टिस्ट हैं कराची के, जितने भी ये लगे हुए हैं ना आर्टिस्ट, ये तकरीबन कराची पाकिस्तान के पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, सब सीनियर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू ऐसी है, ये बढ़ती है आगे, कम नहीं होती। इनके साथ अगर अल्लाह ना करे आर्टिस्ट की डेथ हो जाती है तो उसमें ये इसके प्राइस डबल हो जाते हैं। ये सीन इनका ना, ये भी सवा करीम है, ये भी कराची की है, ये 80,000 पे पेंटिंग इनकी, ये काफी सीनियर आर्टिस्ट है सवा करीम। आपका नाम? मेरा नाम आदिल। आदिल भाई ये चीज मुझे जरा बता दीजिएगा कि वुडिंग लाइक कौन कौन सी वुडिंग आप लोग इस्तेमाल करते हैं? वुडिंग देखे पहले आती थी, एक टाइम में पहले आती थी वुडिंग, जो अब नहीं आ रही है वुडिंग, इस वक्त जो है ना आउट ऑफ रेंज हो रही है लोगों से, जो इस वक्त के हालात है। इसके अलावा जो हमारे पास जो ये लगती है ना, ये कहलाती है फाइबर वुड। अच्छा। यानी ये प्लास्टिक और वुड मिक्स है, मिक्स होती है ये, यानी नेचुरल वुड नहीं आती। अगर नेचुरल वुड होती है तो वो काफी रेंज की होती है, ये जो होती है ये फाइबर होती है, ये फाइबर ये के लोगों के रेंज तक आ जाती है, इतनी महंगी नहीं होती है। फाइबर और वुड ये मिक्स मटेरियल है दोनों, ये इसकी ये होती है कि लाइफ टाइम वारंटी होती है, ना इसमें नीमक लगती है, ना फंगस आएगा, कुछ भी नहीं है, जैसी एज इट इज ऐसी रहेगी है लाइफ टाइम। ये देखेंगे कितनी प्यारी इन्होंने पेंटिंग बनाई है, ये कौन साहब है किन्होंने बनाई है? ये फिरदौस साहब है, ये कहलाता है मिक्स मीडिया काम, इसमें ऑयल का भी काम हुआ हुआ है, इसमें एक्रेलिक भी यूज हुए हैं, इसमें वाटर कलर भी यूज हुआ हुआ है, यानी जो वाटर कलर हो गया, एक्रेलिक हो गया, ऑयल हो गया, वो कहलाता है मिक्स मीडिया। है कैनवस लेकिन ये कहलाता है मिक्स मीडिया काम। अच्छा, ये इन्होंने बस ऑक्सिस बनाया हुआ है, और वो जो पुराने से जो लोग होते थे जो जंगल में करते थे, यानी उन्होंने बस एक चीज शिकार बनाया, जो शिकारी होते थे तो उस टाइम भी उन्होंने बनाई है ये, यानी मैसेज दिया है उस टाइम का कि लोग पहले इस तरह होते थे, तलवारें नहीं होती थी, इस तरह डंडे होते थे उन लोगों के पास, जो डंडे लेके घूमते थे जंगल में। और इसकी क्या वैल्यू होगी ये वाली पेंटिंग की? तकरीबन इस वक्त वैल्यू है 85,000 जी। और उसके बाद अगर आप पीछे देखें तो ये है हमारे दिलावर जो ये काम करते हैं, दिलावर जी ये कराची के हैं, ये ज्यादा यही वर्क करते हैं, यानी वुमेन फेजिस करते हैं ये ज्यादा। इस पे आ जाते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जो नॉर्मल आर्ट चल रहा है फेजिस, ये ज्यादातर मॉडर्न आर्ट में आ गई है जो चीजें हैं ना, जितनी भी हमारी चीजें हैं जी, ये जो एरिया हमारा ये सब मॉडर्न आर्ट में आ रहा है, जो इस वक्त ज्यादा इन हुआ है मॉडर्न आर्ट। अच्छा, वैल्यू तो हर चीज की है लेकिन जो शौक है लोगों को आजकल का वो ये है मॉडर्न आर्ट का। ये भी मॉडर्न आर्ट में आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट शिप्स बनाई हुई है, अगर आप गौर करें तो ये शिप बनी हुई है, ये शिप है, उससे ऊपर आप देखें तो वो भी शिप बनाई हुई उन्होंने। फिर इसी तरह ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ये अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है इन्होंने पूरा, ये पूरा मोहम्मद है वो अल्लाह लिखा हुआ है, ये सब जो है ना, ये भी जो है ना मीडिया जो इसका वो है एक्रेलिक ऑन कैनवस, ये भी एक्रेलिक ऑन कैनवस है, जो तकरीबन इस वक्त जो ज्यादा यूज हो रहा है ना वो एक्रेलिक ऑन कैनवस यूज होता है। अच्छा। उसका ये है कि वो सूखता मैट ज्यादा जल्दी हो जाता है, ऑयल जो होता है ना ऑयल वो तकरीबन 15-15, 20-20 दिन ले जाता है खाली मैट होने में, सूखने में। अच्छा। जहां ये 2 घंटे में सूखता है वहां वो तकरीबन 20 दिन ले जाता है सूखने में, तो लोग आजकल एक्रेलिक को ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन जो लाइफ है जो फिनिशिंग है वो ऑयल के अंदर होती है एक्रेलिक से ज्यादा। बिल्कुल।
अच्छा जी, कुछ देख आप सब जैसे कि देख रहे हैं कि इनके पास ये बॉर्डर्स भी है सारी, जैसे कोई भी फ्रेम अगर यूज करना चाहे तो कोई भी आप लाइक ये बॉर्डर्स चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। काफी खूबसूरत खूबसूरत बॉर्डर्स बनाए हैं। अब ये देखें ये स्टाइल है ना, ये वुड में स्टाइल दिलाता है, ये जो है ये वुडिंग स्टाइल है, ये वुडिंग स्टाइल है, ये सब वुड में आता है। जो वुड में नहीं आता था ना वो इसमें आ रहा है फाइबर के अंदर। अच्छा, यानी कि अब मैं दिखाऊं आपको कि ये स्टाइल है, ये एंटिक में आता है, जो ये है ना ये एंटिक लुक में आता है। उसकी वजह ये है कि आजकल के जो लोग हैं वो ग्लास के ज्यादा अंदर जो है ना एंटिक लुक मांगते हैं, जो ज्यादा अपने घर आजकल न्यू बना रहे हैं वो ज्यादा एंटिक में चल रहे हैं, फैंसी टाइप में, यानी इतना फैंसी नहीं है, ये लगने के बाद अपने न्यू लुक पे आ जाता है। ये हो गया, ये एंटिक पीस है, ये ज्यादा मिरर में यूज होता है, मिरर्स के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो पेंटन के लिए जो यूज होते हैं वो नॉर्मली फ्रेम होते हैं, जो ये छोटे साइज के होते हैं, ये छोटा फ्रेम है, ये पेंटिंग में यूज होता है। सही। ये वुड जो नहीं आती है तो उन्होंने ये वुड स्टाइल में दी गई, जिसको वुड महंगी पड़ती है तो वो ये फाइबर में लगवा लेता है वुड, ये उनको कम पैसों में पड़ जाती है लेकिन चीज अच्छी होती है लाइफ टाइम वाली। इनकी प्राइस डिफरेंट है, ये सबकी प्राइस जो है ना साइज के हिसाब से डिफरेंट होती है, जो साइज बनता है उसके हिसाब से फिर जो है ना हम प्राइस निकाल लेते हैं। अब पेपर का जो होता है, पेपर के हिसाब ये होता है, उसमें ग्लास लगता है, ग्लास भी इंक्लूड होता है, पीछे एमडीएफ लगती है वो भी इंक्लूड होती है, वो ज्यादा महंगा पड़ता है। और जो हमारे ये कैनवस होते हैं इन पे ये सीन होता है कि ये कैनवस है, कपड़ा है, इसके ऊपर हम ये कपड़ा लगाते हैं, जो पेंटिंग होती है ये डायरेक्ट होता है, इसके अंदर कोई ग्लास नहीं लगता, कैनवस के अंदर कोई ग्लास नहीं आता, सिर्फ जो ग्लास आता है ना वो पेपर में आता है या पिक्चर फोटोज में ग्लास आता है। अच्छा, इनके अंदर ग्लास नहीं आता, अगर इनके अंदर ग्लास आता है तो इनकी जो भी डिटेल है ना वो सारी छुप जाती है, ये मसला होता है इसके अंदर, तो इसमें ग्लास नहीं आता। ये एज इट इज ये माउंट पट्टी कहलाती है जो आजकल चल रही है ना, ये माउंट लगता है, माउंट का जो मकसद होता है लगाने का वो ये होता है कि ये लग के जो ना पेंटिंग का थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, फिर ये माउंट पट्टी लगती है, माउंट पट्टी लगने के बाद जो भी फ्रेम हो आप इसके ऊपर न्यू करके आ जाता है, जो प्रॉपर फ्रेम हो करने के बाद पूरा इस तरह आ जाता है, ये लगवा लें या कोई भी फोर सपोज ये रख लें इसके ऊपर, ये पूरा आ जाएगा इसके ऊपर इस तरह। ये है सारे फाइबर वुड, क्योंकि ओरिजिनल वुड आ नहीं रही, अगर होती ओरिजिनल तो वो काफी महंगी वुड होती है, काफी कॉस्टली होती है वो। अपना व्यूअर्स को जो है अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टेक्ट, मेरी जो आर्ट गैलरी है वो बेसिकली डिफेंस खड्डा मार्केट पे लैंड वन है, और सऊदी एम्बेसी वाला ये रोड आ रहा है सीधा अंदर लैंड वन में, और जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 03082870640। ठीक है।